राधे राधे मित्र गणों, कैसे हो सब। तुम्हें दिख रहा है सामने ना एक बेस आ चुका है और ये MLCW जो टूर्नामेंट चलता है ऑफिशियल क्लैश ऑफ क्लैन का, उसी का बेस है, यानी कि उसी का अटैक है। तो इसी बेस पे हम अटैक होते हुए देखेंगे। और तुम्हें दिखेगा जो बेस है ना भाई, ये दो तरह डिवाइड हो रखा है, यानी कि एक तरफ अलग डिफेंस है और एक तरफ अलग है। तुम्हें दिख रहा है क्वीन आ चुकी है और राइट साइड इसने बेबी ड्रैगन डाल दिया है ताकि क्वीन राइट को ना जाए। ऑब्वियस सी बात है, क्वीन कैनन को तोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। बाहर वाली तरफ तुम्हें दिख रहा है स्नीकी गोब्लिन आ चुका है ताकि एक गैप बन जाए और जो किंग है वो भी इधर को ना आए और क्वीन भी आगे ना बढ़े उस जगह से, यानी कि क्वीन को अंदर वाले कंपार्टमेंट डालना चाहता है और जो किंग है वो तुम्हें दिख रहा है बाहर की सारी क्लीनिंग कर देगा। यानी ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारी जो क्वीन है वो अंदर को ही जाने वाली है। किंग काफी सही जा रहा है, उसकी हेल्थ आधी हो चुकी है। क्वीन पे एक रेज स्पेल डाल दिया गया है और तुम्हें दिख रहा है किंग भी बहुत दूर तक ट्रेवल कर चुका है, इसलिए मैंने बहुत जूम आउट कर दिया है ताकि तुम्हें दोनों चीज दिख जाए। और क्वीन पे रेज डला हुआ है, क्वीन सामने वाली क्वीन से लड़ाई कर रही है, फिलहाल वो ठीक जा रही है। और जो किंग है वो बहुत दूर तक पहुंच चुका है अगर आप तुम देखोगे तो। और वापस अगर हम क्वीन पे देखें तो वो बाहर जा रही थी, इसने इनविजिबल डाल के उसको रिकॉल करवा लिया, मतलब भाई वापस ट्रैक पे ले आया है अपनी क्वीन को ये, वरना वो बाहर को जा रही थी। तुमने देखा क्वीन ने किंग भी खा लिया और क्वीन की तुम्हें दिख रहा है अंदर जाने के बाद कितनी अच्छी वॉक हुई है, उसने कितनी सारी चीजें खाई है। किंग की एबिलिटी लग चुकी है दूसरी जगह और वो दूसरे कंपार्टमेंट में घुस चुका है। क्या वो मल्टी इन्फर्नो भी खा पाएगा? पर एक स्कैटर शॉट काफी ज्यादा डैमेज दे रहा है उसे, नहीं वो मल्टी इन्फर्नो खा नहीं पाया। और जो क्वीन है वो काफी बढ़िया आगे चल रही है, टाउन हॉल निकल। अब तुम देखोगे यार एक साइड पूरी क्लीन कर दी है यार क्वीन और किंग से ही, बस और कुछ नहीं यूज करा। और अब देखो दिख रहा है ईगल चल चुकी है, स्टोन स्लैमर आ चुका है और किंग ने रॉयल चैंपियन तो खाई ली थी, तो मल्टी इन्फर्नो तो और कैनन तो कल्ला खा ही लेगा स्टोन स्लैमर। क्वीन भी अभी तक इसकी जिंदा है, सीसी निकल चुके हैं जिसमें से निकले भाई आइस गोलम और बहुत सारे लून आ चुके हैं वार्डन की एबिलिटी के साथ। और बाहर की जो डिफेंस है उसमें भी थोड़े थोड़े लून डाल रहा ताकि जो उसके अंदर आए लून है वो बाहर को ना जाए, वो बेस के अंदर ही रहे। वार्डन की एबिलिटी से अभी दी नहीं है और रॉयल चैंपियन की एबिलिटी भी इसके पास पड़ी हुई है। स्टोन स्लैमर काफी बढ़िया काम कर रहा है, सेंटर में पूरा का पूरा टेस्ला फार्म निकल चुका है ईगल के साथ। और अब जाके वार्डन की एबिलिटी हो भाई, स्टोन स्लैमर पूरा का पूरा सुरक्षित हो चुका होगा यहाँ पे भाई। जय ना जो क्वीन चार्ज होता है ना, इसीलिए ये बहुत पावरफुल होता है टूर्नामेंट में, ज्यादातर लावा लून होते ही इसलिए है क्योंकि ये हद से ज्यादा पावरफुल होता है। तुम्हें दिख रहा है अगर तुम प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम्हें हर बेस पे अटैक करना आ जाएगा यही वाला क्वीन चार्ज। पर तुम्हें दिख रहा है जो भी बेस ऐसे दो कंपार्टमेंट बटाओ उसमें तुम एक तरफ किंग और क्वीन से खा लो, उसके बाद तुम्हें दिख रहा है तुम्हारा बेस रही कि ना जाता है स्ट्रेट लाइन का जिसमें तुम्हारे सारे लून आ जाते हैं और वार्डन की एबिलिटी और आरसी आ जाती है, तो टाउन हॉल तेरा भाई बहुत ईजी हो जाता है चाहे वो मैक्स भी हो। तो ऐसी भाई चैनल पे वीडियो आती रहती है और हमारे चैनल पे लाइव भी होती है जहाँ पे होते हैं क्लैश ऑफ क्लैन के टूर्नामेंट। और अभी जो टूर्नामेंट चल रहा है उसका थीम है नो डार्क एलिक्सर ट्रूप, जो अगला मैच है वो आने वाला है 20 जून को रात 9 बजे, तो तुम कृष्णा क्लैन में आके देख सकते हो यूट्यूब पे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। टिल देन स्प्रेड लव, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, लव यू ऑल।